दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और थंबनेल का आइकन तो प्रेस जरूर करें। आज हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम जनवरी 2021। ठीक है, ये एक्चुअली में अभी स्टार्ट हो गए, ये फॉर्म अप्लाई होना तो 5 मार्च से, ठीक है, 5 मार्च 2021 से जनवरी 2021 वाला सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जिन्होंने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो उसमें। तो आप इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2021 जनवरी जो सेशन है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपनी एक गोल्डन जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप एक तरह से डिग्री होल्डर्स हो जाओगे और आपके लिए नॉर्थ ESI एम्स वगैरह उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इग्नू से अभी हो रही है। तो इसके लिए आप देख सकते हो, जैसा कि इसमें बताया गया है कि द यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट फॉर द प्रोग्राम मेंशन बिलो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है एडमिशन के लिए, वो 11 अप्रैल को होगा। देखो कितना फास्ट है, 11 अप्रैल को है ना। इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की है वो 5 मार्च से लगा के 20 मार्च 2020 है ना, 20 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये 11 अप्रैल को इसके एग्ज़ाम हो जाएगा, इसका संडे को एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि आगे अपन चलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम में, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इज़ ए डिग्री प्रोग्राम ऑफ 3 इयर्स। अब जैसा कि इसमें दिया गया है, इग्नू से 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है, ये याद रखना। डिग्री जो होती है अभी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री होगी वो आपके 3 साल की होगी, है ना। ड्यूरेशन फॉर इन सर्विस, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, ड्यूरेशन फॉर इन सर्विस डिप्लोमा होल्डर नर्स, तो इसमें सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स बीएससी नर्सिंग, ये वाला इन सर्विस में द प्रोग्राम इज़ अप्रूव्ड बाय INC। तो इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ये INC से अप्रूव्ड है प्रोग्राम जो है। और एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन मेरिट इन द एंट्रेंस टेस्ट। अब जो 11 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस प्रोग्राम के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है उसके लिए, तो उसमें फिर ये मेरिट बेस कैसे बनेगी, जर्नल वाइज बनेगी, है ना। तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें टोटल 620 सीटें हैं और राजस्थान में कितने मतलब है और अदर पूरे ऑल इंडिया में कितने सेंटर है वो बताया गया अभी, और कितनी सीटें हैं वो भी बताया गया आपको। तो अभी चलते हैं अपन आगे, है ना। 3 इयर्स का कोर्स हो गया और इसका मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा कोर्स का, और ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 3 ईयर टू 5 ईयर ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 3 ईयर टू 5 ईयर। मैक्सिमम 5 ईयर इसलिए है कि भाई कोई बैक वगैरह आ जाए या कोई एग्ज़ाम कोई सब्जेक्ट है वो मिस हो जाए, आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओ या कोई वजह हो जाए, तो आप मैक्सिमम 5 ईयर्स तक उसको आप दे सकते हो, है ना। उसके बाद चलते हैं अपन एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन क्या है। तो इसमें देखा जाए तो रिजर्वेशन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट इंडियन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है। और एलिजिबिलिटी इसमें आप देख सकते हो, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इन सर्विस नर्सेस दैट इज़ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ RN RM हैविंग 10+2 विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM आप कह सकते हो, विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये याद रखना, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस जिसके GNM के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए वो एलिजिबल है। अच्छा, मेल कैंडिडेट अगर कोई है और हु हैव नॉट मिडवाइफरी इन GNM प्रोग्राम, अगर किसी ने GNM प्रोग्राम तो कर रखा है लेकिन उसने मिडवाइफरी नहीं कर रखी है,
तो वो कम से कम 6 से 9 महीने का ड्यूरेशन का कोई भी सर्टिफिकेट होता है ना, कोई भी सर्टिफिकेट होता है मिडवाइफरी का, वो उसमें मान्य है, वो उसमें कर सकता है। ये नहीं है तो और में फिर क्या है, अगर जैसे RN RM करा हुआ है, 10+10, पहले 10th वाले करते थे जैसे, तो इक्विलेंट है प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस ना, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस। अगर जैसे मिडवाइफ नहीं करी हुई और 10th करी हुई, तो वो उसके लिए 5 साल का फिर उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलते अपन आगे। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 20 मार्च है ना, 20 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन पोर्टल पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। एज लिमिट क्या है इसके लिए, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो ना, कोई एज लिमिट नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एज कोई भी बंदा कर सकता है, और वैसे भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब चलते हैं अपन दूसरे उसमें, एक और जो एडवर्टाइजमेंट है इसी का थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। जैसा कि इसमें बताया हुआ है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए बता रखा है इन्होंने, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो वो डिग्री वाले जो है उसमें वही है, उसके अलावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें 3 साल की है थ्योरी जो कोर्सेज हो गए वो 40 क्रेडिट के हो गए, जो फर्स्ट ईयर में 18, सेकेंड ईयर में 10 हो गए, और ये हो गया क्रेडिट, मतलब 3 साल के क्रेडिट, और प्रैक्टिकल में फिर आपके 68 जो क्रेडिट हो गए प्रैक्टिकल के लिए भी, ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं अपन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हो गए, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है, और इसमें आगे चलते हैं अपन थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं, है ना, ये सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे चलते हैं इसमें 3.6, इसमें मीडियम तो इंग्लिश है ही, आपको जैसे पता है मेन मेन बता देते अपन, मीडियम कौन सा हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब चलते हैं अपन एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, है ना। तो एडमिशन ये आप देख रहे हो जनवरी 2021 के लिए एडमिशन सेशन है, विल बी डन रीजन वाइज द बेसिस ऑफ मेरिट इन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कॉमन होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉमन, और रीजनल सेंटर के हिसाब से, है ना, इसमें लिखा हुआ है रीजनल सेंटर वेयर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टडी सेंटर आर इस्टाब्लिश्ड विल डू द काउंसिल एंड एडमिशन। तो वो काउंसिलिंग करेंगे और एडमिशन करेंगे। कैंडिडेट्स फॉरम एनी रीजन फॉर्म एनी रीजन स्टेट कैन अबाउट PCSE प्रोग्राम सेंटर जो कहते हैं अपन सिलेक्शन सेंटर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उसमें एज पर चॉइस। तो अपन कहने का मतलब ये है इसमें, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि आपको रीजनल सेंटर जो मिलेगा, रीजनल सेंटर के हिसाब से फिर उसको आपको करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट इसमें दे रखा है, जैसा कि पूरा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें, वो भी ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अप्लाई सबमिट एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म थ्रू ऑनलाइन पोर्टल से होगा, और ये उसकी वेबसाइट है, आप इग्नू ये इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो, है ना। आगे चलते हैं अपन, ड्यूरेशन एंड रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड काउंसलिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट के जब एंट्रेंस टेस्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, और अब काउंसलिंग के लिए जाना है अपन को, तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या जरूरत होगी। तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड सबमिट अटेस्टेड कॉपी, एक तो याद रखना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, है ना, फॉलोइंग सर्टिफिकेट एंड टाइम टू काउंसलिंग। काउंसलिंग होगी तो उस समय ये अपन को जरूरत होगी, एडमिशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी साथ में होना चाहिए, और ये सेट जो है जेरोक्स वाला होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, है ना। तो वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग विल बी कंडक्ट, और जहाँ रीजनल सेंटर आएगा आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे आपको ये एक बार जमा करवाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चाहिए आपको, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दोगे, डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो 10th या 12th में जो आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है, 10+2 मार्कशीट चाहिए, GNM या राजस्थान RN RM का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 2 साल का होता है वो चाहिए, और अगर GNM की मार्कशीट है तो GNM की मार्कशीट भी साथ में चाहिएगी, और सर्टिफिकेट फॉर्म वेयर यू वर्किंग करेंटली, NOC सर्टिफिकेट अगर इन सर्विस में है तो NOC सर्टिफिकेट चाहिए, और
अगर एससी एसटी अगर कोई कैटेगरी है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आप कह सकते हो वो चाहिए क्या साथ में, है ना, ये वाला। और इनकम टैक्स ओबीसी के लिए, है ना, नॉन क्रीमी लेयर में है तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी, ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए, इनकम टैक्स वाला। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये चाहिए आपको, है ना, काउंसलिंग के समय। और सिलेक्शन प्रोसीजर देखा जाए तो वही है, इग्नू की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा भाई क्या सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह क्या है। उसके बाद में चलते हैं अपन फीस क्राइटेरिया, है ना, ये ज़रूरी है। फीस क्राइटेरिया अगर फीस प्रोग्राम की बात करें तो 20,000 पर एनियम, मतलब एक साल के 20,000 रुपये, है ना, ये आपकी फ़ीस रहेगी। मतलब 3 साल का हो गया तो 60,000 रुपये, ओके, इसकी फ़ीस क्राइटेरिया। अच्छा टोटल सीट कितनी है ये भी देख लेते हैं अपन। टोटल सीट इसमें है 620, ये देखो इसमें कैटेगरी वाइज अवेलेबिलिटी सीट का बताया है, 620 इसकी टोटल सीट रहेगी। वो 2022 जो INC अप्रूव्ड प्रोग्राम स्टडी सेंटर इन्होंने बनाए, है ना, ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। और ये अपने चेक द मेरिट लिस्ट पुट ऑन वेबसाइट ऑन इग्नू आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, चेक योर मेरिट रैंक एज पर कैटेगरी, वेन एवर देर इज़ ए टाई इन द मार्क रैंक विल बी रिजोल्व एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया रिजोल्विंग द केस, ओके। मतलब कहने का मतलब है रीजनल सेंटर रिजोल्विंग द टाई केस ही तो कोई नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है वो बता दिया था। उसके बाद में आप ये PDF जो फाइल है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने इग्नू पे पड़ी है अभी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या है ये तो बता भी दिया है वैसे आपको। अब चलते हैं फीस का, तो ये रहा फीस वाला, सॉरी अपने पोस्ट या मतलब जो सीट है वो कितनी है रीजनल सेंटर। इन्होंने टोटल रीजनल सेंटर जो है 22 बनाए हैं और 620 सीट है। अब देखिए राजस्थान में देखे तो कहाँ कहाँ है इसका सेंटर, कहाँ कहाँ दे रखा है इन्होंने, आंध्र प्रदेश है, अन्नपूर्णा है, ये गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है एक तो 7 नंबर पे, श्रीनगर है, बेंगलोर है, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, इस बार पंजाब, जयपुर। अच्छा देखो ये एक सेंटर इन्होंने जयपुर में दे रखा है, आई थिंक ये 16 नंबर पे, है ना, उसमें 30 सीटें हैं, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज JLN मार्ग जयपुर। सेंटर से मीनिंग ये है कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ये अच्छी बात ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको प्रैक्टिकल के लिए वहाँ कोई छुट्टियाँ लेके अगर कोई इन सर्विस में तो वो जाना पड़ेगा लीव लेके, वरना आप इस 22 जो सेंटर दे रखे हैं उसमें कोई भी इंडिया के किसी भी सेंटर में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए आप स्टडी सेंटर है वो चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है राजस्थान का बंदा है और जयपुर ही चूज करे या UP का बंदा है वो राजस्थान चूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसमें 22 जो रीजनल सेंटर है उसमें से कोई भी आप फॉर्म में फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन सर्विस वालों के लिए ये है कि आप प्लीज़ वो अपने डिपार्टमेंटली जो NOC होती है वो ज़रूर लें। और अगर प्राइवेट कोई बंदा है GNM कर रखी है तो प्राइवेट 2 ईयर्स का है एक्सपीरियंस, वो भी वैलिड है इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो देखे और पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए और भी मेरे वीडियो जो सेंटर मतलब वीडियो पड़े हैं, मेरे वीडियो जो मैंने बनाए हैं स्टडी से रिलेटेड वो ज़रूर देखें, जिससे आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, और ज़्यादा से कम आपको डाउट मतलब नहीं रहेगा उस समय, है ना, और सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो वीडियो मेरे ज़रूर देखें, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।